हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। मैं अपने चैनल पर ओलंपियाड एग्जाम से संबंधित चैप्टर्स एंड उसके एक्सप्लेनेशन एंड वर्कशीट डालती हूँ। अगर आपका बच्चा भी ओलंपियाड एग्जाम की तैयारी कर रहा है, क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास में है, तो आप हमारे चैनल को वॉच कीजिए। और इससे पहले मैंने क्लास फर्स्ट के कंप्यूटर चैप्टर के सारे चैप्टर को एक्सप्लेन करके उसकी वर्कशीट ओलंपियाड एग्जाम के अकॉर्डिंग डाल रखी है। और अब हम क्लास सेकेंड की चैप्टर टू पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। कंप्यूटर इट्स पार्ट्स। अ कंप्यूटर हैज फोर इंपॉर्टेंट पार्ट्स, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस। कंप्यूटर के चार महत्वपूर्ण पार्ट्स होते हैं, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस। These are most significant parts of computer. ये computers के बहुत ही महत्वपूर्ण parts होते हैं। The monitor, mouse and keyboard are connect to CPU in order to function. Monitor, mouse and keyboard को CPU से order के according, function के according CPU से connect किया जाता है। All of them together make a computer system. ये सभी मिलकर एक computer system बनाते हैं। इट नीड्स इलेक्ट्रिकल पावर टू रन, और इसे रन करवाने के लिए इलेक्ट्रिकल पावर की ज़रूरत होती है, अर्थात बिजली की ज़रूरत होती है। एट टाइम्स वी कैन कनेक्ट ए स्पीकर एंड प्रिंटर ऑल्सो विथ इट, और साथ ही हम इसके साथ स्पीकर और प्रिंटर को भी कनेक्ट करते हैं। CPU stand for Central Processing Unit. It called brain of computer, just as our brain. CPU stand for Central Processing Unit. अर्थात CPU का फुल फॉर्म होता है Central Processing Unit. It is called brain of computer. इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है. Just as our brain help us to remember things and think, the CPU helps computer to remember things. जिस प्रकार हमारा दिमाग हमें किसी भी चीज़ को याद करने के लिए या सोचने में मदद करता है, उसी प्रकार सीपीयू भी कंप्यूटर को किसी भी चीज़ को याद करने में मदद करता है। दस इट डज कैलकुलेशन एंड स्टोर इन्फॉर्मेशन, साथ ही यह कैलकुलेशन और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। CPU is always kept inside a box which is known as CPU box. CPU को एक हमेशा बॉक्स के अंदर रखा जाता है, जिसको कि हम CPU box के नाम से जानते हैं। CPU is further divided into three parts. These are CPU को तीन भागों में डिवाइड किया जाता है, ALU, number 2 control unit and number 3 memory unit. Number 2 monitor. मॉनिटर लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन, जो हम ये देख रहे हैं टीवी स्क्रीन की तरह दिख रहा है। यू कैन सी पिक्चर्स एंड मूवी ऑन द मॉनिटर, आप मॉनिटर पर पिक्चर्स या मूवी देख सकते हैं। इट डिस्प्ले रिजल्ट, इस पर हमें रिजल्ट्स दिखता है, जो भी हम काम करते हैं वो हम मॉनिटर में देखते हैं। इट ऑल्सो डिस्प्ले द इंस्ट्रक्शन गिवन बाई कीबोर्ड एंड माउस ऑन द स्क्रीन, जो भी हम कीबोर्ड या माउस के द्वारा सीपीयू में या कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो हमें डिस्प्ले मॉनिटर पर होता है। मॉनिटर इज आल्सो कॉल्ड VDU, मॉनिटर को VDU भी कहा जाता है। VDU स्टैंड फॉर विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU का फुल फॉर्म हो जाता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वी कैन व्यू एवरी रिजल्ट्स एंड इंस्ट्रक्शन ऑन इट, हम जितने भी रिजल्ट्स और इंस्ट्रक्शन होते हैं कंप्यूटर के द्वारा करने पे, वो सारे व्यू हम मॉनिटर में देखते हैं। नंबर 3 कीबोर्ड। दिस इज कीबोर्ड। अ कीबोर्ड हैज़ मैनी की ऑन इट्स, कीबोर्ड में बहुत सारे की होते हैं। द नंबर्स ऑफ की इन ए कीबोर्ड इज़ 104, कीबोर्ड में 104 की होते हैं। द की आर यूज टू टाइप और इनपुट इंफॉर्मेशन सच एज डाटा, वर्ड, नंबर एसेट्रा इन टू अ कंप्यूटर, कीबोर्ड को यूज़ किया जाता है इनपुट इंस्ट्रक्शन देने के लिए, और इनपुट इंस्ट्रक्शन हम डाटा, वर्ड या नंबर्स के रूप में कीबोर्ड की मदद से कंप्यूटर में दे सकते हैं।
द की विथ नंबर्स आर कॉल्ड नंबर्स की। की में जो नंबर्स की होते हैं जैसे 1, 2, 3, 4 उसको हम नंबर्स की बोलते हैं। द कीज विथ लेटर्स आर कॉल्ड द अल्फ़ाबेट। फिर हमारा जो कीबोर्ड में अल्फ़ाबेट्स की होते हैं A to Z इसको हम अल्फ़ाबेट की कहते हैं। There are 26 अल्फ़ाबेट की एंड 10 नंबर्स की ऑन द कीबोर्ड। अल्फ़ाबेट्स की 26 होते हैं एंड नंबर्स की कीबोर्ड में 10 होते हैं। There are many more की ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड में बहुत सारे अदर्स की भी होते हैं। Which has special function और वो कुछ अलग special functions कहते हैं। स्पेशल फंक्शन के लिए अलग फंक्शंस की होते हैं। नंबर 4 माउस। अ माउस में है 2 or 3 बटन। इट इज़ ऑलवेज केप्ट ऑन माउस पैड। माउस में हमेशा 2 या 3 बटन्स होते हैं। ये माउस के 2 या 3 बटन्स होते हैं और हमेशा इसे एक माउस पैड पर रखा जाता है। दिस इज अ माउस पैड। माउस इज यूज सेलेक्टिंग और पॉइंटिंग टूवर्ड्स द आइकॉन डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन और मॉनिटर। माउस को हमेशा किसी भी आइटम को सेलेक्ट करने के लिए या पॉइंट करने के लिए यूज़ किया जाता है और यह पॉइंटिंग के रूप में हमारा डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखता है। दिस इज़ अ पॉइंटिंग स्क्रीन एंड माउस। अ माउस इज़ यूज्ड फॉर ड्राइंग पॉइंटिंग एंड अ माउस इज़ यूज्ड फॉर ड्राइंग पेंटिंग एंड प्लेइंग गेम्स। माउस का यूज़ ड्रॉ करने के लिए, पेंटिंग करने के लिए और गेम्स खेलने के लिए किया जाता है। जैसे सपोज यह देखिए, माउस इज यूज फॉर प्लेइंग गेम्स एंड माउस इज यूज फॉर ड्रॉइंग। पेरिफेरल्स ऑफ अ कंप्यूटर्स। देयर आर सम अदर पार्ट्स विच आर कनेक्ट टू अ कंप्यूटर टू गेट अदर वर्क्स। दीज पार्ट आर ऑल्सो कॉल्ड पेरिफेरल्स ऑफ द कंप्यूटर्स। पेरिफेरल्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में कुछ अलग पार्ट्स को अटैच किया जाता है जिसे हम पेरिफेरल्स ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। इससे पहले अभी हमने पढ़ा 4 कंपल्सरी पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के। कौन कौन से? मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड CPU। ये 4 कंपल्सरी पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर्स के, जिसके बिना कंप्यूटर को रन नहीं कराया जा सकता है। इसके बाद कुछ अदर पेरिफेरल यानी अदर फंक्शन के लिए कंप्यूटर्स के साथ कुछ अलग पार्ट्स को अटैच किया जाता है तो उसको हम पेरिफेरल्स ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। जैसे नंबर प्रिंटर। प्रिंटर इज ए रिक्वायर्ड टू गेट प्रिंट आउट ऑफ द टाइप ऑफ मैटर दैट इज लेटर, नंबर्स एंड पिक्चर ऑन अ पेपर। द टेक्स्ट प्रिंटर ऑन अ पेपर इज नोन एज हार्ड कॉपी। पहला पेरिफेरल पार्ट्स होता है प्रिंटर, जिसे कि हम कंप्यूटर में अलग से अटैच करते हैं। इसकी ज़रूरत हमें किसी भी कंप्यूटर में टाइप किए हुए मैटर है या लेटर हम लिखते हैं, नंबर्स, पिक्चर्स जो हम पेपर पर बनाते हैं, उसको हमें प्रिंट आउट निकालने के लिए प्रिंटर का यूज़ किया जाता है। और जब हम इस पेज में किसी प्रिंट आउट को निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं हार्ड कॉपी। कॉमनली वी यूज 3 टाइप्स ऑफ प्रिंटर। जनरली हम 3 प्रकार के प्रिंटर को यूज़ करते हैं। नंबर 1 इंकजेट प्रिंटर, ये आपका हो गया इंकजेट प्रिंटर। 2nd लेजर प्रिंटर एंड 3rd डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये 3 प्रकार के प्रिंटर जनरली हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हो जाता है स्पीकर। वी नीड स्पीकर टू हियर रिकॉर्डेड साउंड। स्पीकर की ज़रूरत हमें तब होती है जब हम कोई साउंड को रिकॉर्ड करते हैं और उसको सुनना चाहते हैं। तो रिकॉर्डेड साउंड को सुनने के लिए हम स्पीकर की हमें ज़रूरत होती है। स्टोरी, म्यूजिक एंड एसेट्रा। चाहे हम कंप्यूटर पर स्टोरी सुनना चाहते हैं, म्यूजिक सुनना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें स्पीकर की ज़रूरत होती है। दिस इज अ स्पीकर्स। स्पीकर्स कैन बी अटैच टू द कंप्यूटर। स्पीकर को कंप्यूटर के साथ अटैच किया जाता है। उसके बाद हम इसमें से स्पीकर के थ्रू से कंप्यूटर में हम साउंड, स्टोरी और म्यूजिक को सुन सकते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाता है स्कैनर। दिस इज स्कैनर। इट हेल्प्स इन कॉपी द पिक्चर्स एंड डॉक्यूमेंट एंड सेव इट इन द कंप्यूटर्स। इसकी मदद से हम किसी भी पिक्चर्स एंड डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं और उसको स्कैन कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया माइक्रोफोन। इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड
voice in a computer, microphone are required. This is microphone. Microphone की मदद से हम अपनी voice में किसी भी चीज़ को record कर सकते हैं. CD, DVD, pen drive. CD stand for compact disc and DVD stand for digital video या versatile disc. You can store information in a CD and DVD. CD का full form हो जाता है compact disc and DVD का full form हो जाता है digital video या versatile disc. इसकी मदद से हम किसी भी information को store कर सकते हैं CD या DVD में. This is CD or DVD. PD stand for pen drive. This is pen drive, PD. इसका full form हो जाता है pen drive. You can store information in a pen drive. Pen drive में भी हम किसी भी information को store कर सकते हैं. It is a small in size, ये छोटे size में होता है and easy to carry. और इसे हम आसानी से कहीं भी carry कर सकते हैं. Next हमारा हो जाता है UPS. UPS stand for Uninterrupted Power Supply. It protects a computer from electricity fluctuation. It contains a battery in it which requires main supply to get charge. This is UPS. UPS का full form होता है Uninterrupted Power Supply. यह जो है हमारे computer को protect करता है जब electricity fluctuate होती है, यानी up down बंद और ऑफ़ होती रहती है. जैसे ऑफ ऑन लाइट होती है तो हमारा कंप्यूटर ख़राब होने का डर रहता है. तो UPS से हमारा कंप्यूटर ख़राब नहीं होता है जब लाइट की फ्लैक्चुएशन होती है. और इट कंटेन बैटरी इन इट रिक्वायर्ड मेन सप्लाई टू गेट चार्ज. और इसमें बैटरी के द्वारा जो है बैटरी की ज़रूरत होती है ताकि हम इसको चार्ज कर सकें. नेक्स्ट हम देखेंगे वेव कैमरा. दिस इज वेव कैमरा. इट इज ए स्मॉल डिवाइस. यू कैन कैप्चर द फोटो और इमेजेस एंड सेव इट इन द कंप्यूटर. इसकी मदद से हम किसी भी फोटो इमेज को कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं. इट इज ऑल्सो यूज फॉर वीडियो चैटिंग. और इसका यूज़ वीडियो चैटिंग में भी किया जाता है. की नोट्स. ये पूरे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद टू द मेन पॉइंट्स जो है हम वापस रिमेंबर करेंगे. CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस आर मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर के मेन पार्ट्स कौन कौन से हो गए? CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस. ये फोर पार्ट्स जो हैं मेन पार्ट्स है कंप्यूटर के. CPU इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. CPU को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है. CPU हैज़ थ्री पार्ट्स. कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं? थ्री पार्ट्स. ALU, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट. VDU stand for visual display unit. A monitor is a display unit. Keys of keyboard are used for typing. Keys का use keyboard में typing करने के लिए किया जाता है. CD stand for compact disc. And DVD stand for digital video या versatile disc. आज के लिए यह चैप्टर ही कंप्लीट होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम इससे संबंधित एक्सरसाइज को सॉल्व करवाएंगे. नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर के एक्सरसाइज सॉल्व क्वेश्चंस लेकर आऊँगी.